आईडीवाई की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत है। आज इस हफ्ते भर में योग डे को सेलिब्रेट करने के संदर्भ में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें मुदिता योग की तरफ से भी कुछ लेक्चर्स का अरेंजमेंट करने का हमने प्रयास किया है। आप लोग भी कहीं ना कहीं मुदिता टीम के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हों, इसलिए आप सबको भी इसकी शुभकामनाएं। आगे के 6 दिनों के लिए हम इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे, हर रोज एक अलग फैकल्टी के साथ। आज हमारे साथ फैकल्टी के रूप में है डॉक्टर वृंदा कुलकर्णी जी, सातारा महाराष्ट्र से हैं। हरिओम। हरिओम। और वो हमें बंद के बारे में थोड़ा एक टेक्निकल और फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज को साथ में रखते हुए वो हमें समझाएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते एक मेडिकल बैकग्राउंड से भी वो थोड़ा हमारा व्यू ओपन करने का प्रयास करेंगे। तो आगे के मैं वृंदा जी से विनती करूंगा कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। हरिओम सबको। बंद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बंद जो है यह हठ योग का वैशिष्ट्य माना जाता है। हठ प्रतिपिका और घेरंड संहिता में इसके बारे में वर्णन हमें मिलता है। हठ योग प्रतिपिका में जो 10 प्रकार की मुद्राएं बताई गई है उनमें ही इन बंद का उल्लेख किया हुआ है। उन 4 बंदों के बारे में आज हम जानकारी देंगे लेंगे। एक है जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद और महाबंद। बंद का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखने जाए तो उसका अर्थ है बंद। पूरा म्यूट ही थी क्या मैं? नहीं, ठीक है। अब हाँ थोड़ा। हाँ, फिर से बताए मैम। तो ओके, बंद का ये हठयोग का वैशिष्ट्य है। घेरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका में उसका वर्णन किया गया है। हठयोग प्रदीपिका में जो 10 मुद्राएं बताई गई है उनमें तीन उनमें ही बंदों का उल्लेख है। आज हम जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद और महाबंद के बारे में जानकारी ले लेंगे। बंद का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो वह है बंधन, एक दूसरे से मिलना या कसकर बांधना, नियंत्रण रखना। शरीर के कुछ विशेष अवयवों को या आंतरिक अंगों को प्राण वायु द्वारा कसकर बांध लिया जाता है, यह इसे बंद कहलाता है। प्राणायाम द्वारा जो ऊर्जा प्रवाह होता है तब बंदों का उपयोग करके उस ऊर्जा शक्ति को बहिर्मुख होने से बंद रोक लेते हैं। हम सांस लेना शुरू करते हैं, यानी जब से हम यहाँ है हमारी जो एनर्जी है, नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ग्रेविटेशन की वजह से ये ऊर्जा का अधोगमन होना ये प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन बंद में हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो बंद के बारे में एनाटॉमिकली अगर बंद को देखा जाए तो को एक्टिवेशन और अपोजिंग ऑफ मसल्स अराउंड जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस यानी कि बंद होता है। बंद जो भी बंद है उसमें कॉमन चीज क्या होती है कि बंद जब हम बांध देते हैं तो शरीर के हलचल को रोक देते हैं और श्वसन को भी कहीं वक्त के लिए रोका जाता है। पहले सबसे जब हम बंद लगाना शुरुआत कर देते हैं तो पहले वो फिजिकल लेवल पर रहता है। बंद में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहते हैं? मसल इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, स्पाइन और ब्रीदिंग जो है उसका इन्वॉल्वमेंट, ब्रीदिंग की जो मसल्स है उसका इन्वॉल्वमेंट सभी बंदों में रहता है। ये कॉमन चीजें हैं बंद में। सबसे पहले अगर हम जालंधर बंद की बात करें तो जालंधर बंद जो लगता है वो सर्वाइकल स्पाइन जॉइंट कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे लगता है,
यानी कि हमारा जो गर्दन है, यहाँ गर्दन के आगे बहुत सारे नाड़ियों के जाल है, मसल्स भी है, तो वहां का मसल कॉन्ट्रैक्ट करके वहां की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना, यानी जालंधर बंद है। जाल का मतलब है नेट, धर यानी फ्लो, और उसका बंद का मतलब है उसको वहां पे बांध देना। ग्रंथों का वर्णन अगर देखे तो कहा जाता है कि जो अमृत नीचे आता है वो अगर हमारे नेवल तक जाता है तो अग्नि से उसको रो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसको यहाँ पर ही रोक के हमारी आयुर्मान बढ़ाना, ये भी एक बात है। जालंधर बंद को हम लेनी है तो बंद का जो कैसे लगता है उसको भी थोड़ा देखते हैं। जालंधर बंद बांधने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना जरूरी है, क्योंकि हमारा सिर, ग्रीवा और टॉर्सो जो है एक लाइन में रहे, समूह शिरो ग्रीवा काय स्थिति में रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बंद का रिलेशन रेस्पिरेटरी इसमें से है, तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक खुला होना जरूरी है। तो पहले हम जालंधर बंद बांधने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। जालंधर बंद, ये भी हमने बात की कि जो बंद जब रहता है तो हमारा रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है हमने कुछ समय के लिए बंद किया रहता है, तो जालंधर बंद अंतक कुंभक में लगाते हैं। पहले सांस लेनी है और उसको अंदर ही रोक के हमारे चिन जो है, जालंधर बंद को चिन लॉक भी कहा जाता है, तो इस टुट्टी में लगाना है, यानी टुट्टी उसको यहाँ पे कंठकुपी में लगाना है, यह है जालंधर बंद। इस प्रकार जालंधर बंद लग गया, ये हमें किस बात से समझेगा? जालंधर बंद जब लग जाता है तो हम बोल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते। जालंधर बंद हमने लगाया है तो हमारा अंतक कुंभक है, सांस हमने हमारे लंग्स में रोक के रखा है, इसलिए हमारी थोरैसिक जो मूवमेंट्स है वो भी हमें नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपका जालंधर बंद अच्छे से लग गया है। हमारे ये जो गर्दन के जो मसल्स है वो जैसे स्प्रिंग दबाते हैं वैसे उनको दबाया जाता है और चिन लॉक किया जाता है। छोड़ते वक्त पहले चिन को ऊपर लेके आना है और फिर धीरे से रेचक करना है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ जालंधर बंद। तो यहाँ पे क्या हो, एनाटॉमी के लिए अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो ये जो सर्वाइकल कौन से गर्दन के आगे वाले जो एंटीरियर ये जो स्नायु है उनको जालंधर बंद में एक्टिवेट करना है, और सर्वाइकल जॉइंट कॉम्प्लेक्स यानी गर्दन का जो जॉइंट कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, वो है C1 यानी सर्वाइकल 1 थ्रू थोरेसिक 1, यानी ये सब जो वर्टिब्रा है वो इनमें इन्वॉल्व रहेंगे। मसल के बारे में अगर हम देखते हैं तो तीन प्रकार के मसल हम देखते हैं, एक अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जेटिक। जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो है अगोनिस्ट, जो मसल रिलीज हो जाते हैं वो है एंटागोनिस्ट, और सिनर्जिक मसल्स यानी उस क्रिया को जो सपोर्ट करते हैं बाहर से वो है सिनर्जेटिक मसल। यहाँ पे जब हम जालंधर बंद बांध लेते हैं तो हमारा नेक सर्वाइकल स्पाइन जो है लेंथन हो जाती है और उससे भी हमें फायदे हो जाते हैं। तो जब भी बंद बांधते हैं तो उसमें क्या होता है, वो मसल्स जो है उसको प्रेशर आता है, और यहाँ पे अगर हम देखें एनाटॉमिकली तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स भी यहाँ पे है,
तो उन पर भी प्रेशर बनाए रहता है। हायाइड बोन वहां पे है, वहां पर भी प्रेशर बनता है। मसल में भी हम यह भी देखते हैं कि आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक मसल्स। तो बंद जब बांधा जाता है तो हमें आइसोमेट्रिक मसल्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं। आइसोमेट्रिक मसल का क्या मतलब होता है कि जो मसल्स जॉइंट्स जो है वो मूव नहीं हो करेंगे, खाली मसल पे जो दबाव वो बढ़ता जाएगा। अगर हम देखें इस प्रकार तो ये एक्शन की यह है कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे बाइसेप क्या हुआ, फ्लेक्स हुआ, ये की इसेंट्रिक, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। लेकिन अगर मैंने कोई ग्लास ऐसे पकड़ा है या कोई चीज यहाँ पे पकड़ के रखी है, उसका वेट में बढ़ाते जा रही हूँ, तो ये जो ये मसल पे दबाव आ जा रहा है दैट इज आइसोमेट्रिक। और यहाँ पे जो योगा में या इसमें जो हम ये करते हैं वो आइसोमेट्रिक मसल के इसमें करते हैं। और एक चीज जो है जालंधर बंध के बारे में, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। जालंधर बंध जो है वो सेफ्टी वॉल्व जैसे काम करता है। वो कैसे कि हमने अंतक कुंभक लगाया हुआ है, यानी हमारे लंग्स में जो एयर है उसका प्रेशर बढ़े हुए प्रेशर की एयर जो है ऊपर जाए, हमारे स्टेशन ट्यूब से हमारे कान के ड्रम में चली जाए और कान के ड्रम को या वहां पे कुछ इंजुरी या इजा हो सकती है। लेकिन जब हमने जालंधर बंद लगाया हुआ है तो क्या है, हमारे सप्त द्वार बंद है, जो एयर है वो ऊपर जाने वाली नहीं है, यहाँ पे लॉक लगाया है हम लोगों ने, इसलिए इट विल एक्ट लाइक अ सेफ्टी वॉल और वो एयर आकर आगे जाके स्टेशन ट्यूब या ईयर ड्रम को डैमेज नहीं करेगी। यह भी जालंधर बंद की एक वैशिष्टता है। और एक बात जो है कि हमारे नेक जो है वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्त वाहिनी, हम चिन को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और हमारे हाथों को इस प्रकार रखते हैं तो हम वो कैरोटिड का पल्सेशन जो है वो फील कर सकते हैं। जब भी कोई किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है या उसके नाड़ी की गति थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो कैरोटिड मसाज मेडिकल रूफ के अंदर दिया जाता है, उससे तुरंत नाड़ी की गति, हृदय गति कम होने में मदद होती है। तो ये जो कैरोटिड का ये है वो भी जालंधर बंद में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, चिन लॉक करते हैं, तो उसका प्रेशर कैरोटिड साइनस और कैरोटिड आर्टरी पर रहता है। कैरोटिड आर्टरी पर जब दबाव आता है तो मेंदु का जो रक्तदाब का सेंटर है वहां पे सूचना दी जाती है कि पल्स रेट बढ़ा है, रक्तदाब बढ़ा है, आप जरा शिथिल कर दो। तो हार्ट रेट शिथिल हो जाता है, श्वसन गति कम हो जाती है और हमारे जो ऑर्गन्स है वो शिथिल हो जाते हैं। इसलिए जब जालंधर बंद में ये कैरोटिड प्रेस होती है तो हम एक शांतता का अनुभव फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हृदय गति जो है कम हुई है, श्वसन गति जो है वो कम हुई है और हमारे जो ऑर्गन्स है उनपे जो स्ट्रेस है वो कम हुआ होता है। तो ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो जालंधर बंद से रिगार्डेड थी। और जालंधर बंद का अगर जो फिजियोलॉजिकल एक्सेप्ट से हम देखें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतस्रावी ग्रंथि है जो कि थायराइड है, पैराथायराइड है, मेटाबॉलिज्म में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो वहां पर दबाव आने से उसका एक्टिवेशन ज्यादा होता है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और उसके लाभ हमें होते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या जालंधर बंध का महत्व या बेनिफिट हमें खाली प्राणायाम करते वक्त ही मिलता है क्या? तो ऐसा नहीं है। जब हम कुछ आसन स्थिति को देखते हैं जैसे कि सर्वांगासन है, शीर्षासन है, हलासन है, सेतु हलासन है, इन आसनों में हमारे थायराइड ग्रंथ और शीर्षासन है, ये आसन जब हम करते हैं तब जालंधर बंध
लग जाता है, और अगर जालंधर बंध लग जाता है तो ही वो आसन का लाभ हम ठीक से ले सकते हैं। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं और आपका जालंधर बंध ठीक से नहीं लगता तो क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज आपके गर्दन के जो वर्टिब्रा है उन्हें इंजुरी हो जाएगी और फायदा होने के बजाय आपको एडवर्ट इफेक्ट्स का फेस करना पड़ेगा। तो ये जो देखा है हमने कि अभी आसन जब हम लगाते हैं तब भी जालंधर बंध का उपयोग हमें होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगर हम की बात हम करें तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, मस्तिष्क का रक्त ये जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ गया है, मस्तिष्क में शांतता प्रस्तावित होती है क्योंकि हमारा ब्रेन को भी सूचना गई होती है कि आपने ब्लड प्रेशर या नाड़ी का गति जो है वो कम करना है। अहंकार का नाश होता है, बुद्धि निर्मल होती है, चिंता तनाव क्रोध चिड़चिड़ ये सब कम होते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ने में मदद होती है। आध्यात्मिक इससे देखे तो वहां पे विशुद्ध चक्र है, उसका जो काम है कि क्रिएटिविटी बढ़ना, मन का स्थिर होना, वाणी सिद्धि होना, तो ये भी हम उसका हमें फायदा मिल जाता है। थेरापेटिक यूजेस यानी कि क्या हम जालंधर बंध का उपयोग किसी को क्योर करने में या किसी डिसीज में भी कर सकते हैं क्या, तो हाँ, क्योंकि ये थ्रोट की यहाँ जो नाड़ियां है वहां पे के मसल्स हमने एक्टिवेट किया है, वहां का जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा हो रहा है, तो जो थ्रोट डिसऑर्डर्स है उनके यहाँ पे थेरेपेटिक यूज हम जालंधर बंध का कर सकते हैं। थायराइड इम्बैलेंस अगर है तो वहां भी जालंधर बंध का थेरेपेटिक यूज हम कर सकते हैं। दूसरा ये भी बात है कि पहले वाले जो डेंटिस्ट थे यानी दंत वैद्य, वो टूथ एक्सट्रैक्शन करते वक्त पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन, तब ये एनेस्थेशिया लोकल एनेस्थेशिया ये ज्यादा प्रचलित नहीं था, तो अभी भी कुछ वैद्य है पुना में, मैं पुना से हूँ, जिनको मैंने देखा है खुद कि वो जालंधर बंध का उपयोग करके कोई विदाउट एनी एनेस्थेशिया देखा है। यहाँ पे अगर हमें आजकल के जमाने में अगर टूथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है बहुत सारे प्रोसीजर से जाना पड़ता है कि अगर एनेस्थेशिया देना है तो ब्लड टेस्ट करने हैं ये, लेकिन मैंने बूढ़े लोगों का भी जालंधर बंध का सही उपयोग इस्तेमाल करके टूथ एक्सट्रैक्शन करते हुए देखा है। ये अलग बात है कि वो उनका एक बहुत साधना रहती है। और अब बात करते हैं हम अगले बंध की, वो है मूल बंध। मूल का अर्थ है आरंभ, आधार, धरातल। योग विषय में मूल बंध का संबंध मूलाधार चक्र से है, गुदा और जननेन्द्र के बीच में स्थित है ये मूल बंध, मूल चक्र। तो मूल बंध जब लगाते हैं उसे ध्यानात्मक आसन में म्यूट हो आवाज, मैं आपकी आवाज बंद, क्या है कोई किसी का माइक चालू है तो वो शायद एडमिन सबको म्यूट कर देते हैं तो मैं भी म्यूट हो जाती हूँ शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो सिद्धासन की जो स्थिति है वहां पे क्या हमें करना है, हमारा दाई पैर को अगर हम फोल्ड कर लेते हैं और उस एडी को पेरिनियम पे लगाना है, वहां पे मूल बंध है, वहां पे प्रेशर आना ये बहुत जरूरी बात है। तो मूल बंध में की बात अगर हम करें तो हमारे सामने पेल्विक फ्लोर आता है, पेरिनियम आता है, ये क्षेत्र किसका है, पेल्विक फ्लोर जो है ये क्षेत्र है अपान वायु का। अपान वायु का प्राकृतिक कार्य क्या है, वो डाउनवर्ड उसका गति रहता है, लेकिन हमें क्या करना है उस अपान वायु को मूल बंध लगा के अपवर्ड वो उस ऊर्जा को ऊपर लेके आना है और प्राण शक्ति के साथ उसका मिलन करना है।
एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो पेरिनियम क्या है, इट इज लाइक अ डायमंड, इस डायमंड शेप उसका रहता है। इसके बीच में अगर हम एक लाइन इमेजिनरी करते हैं तो आगे का एक ट्रायंगल है, पीछे का ट्रायंगल है। आगे का जो ट्रायंगल है वो है एंटीरियर पेरिनियम और पीछे का जो है वो है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में क्या ऑर्गन्स रहेंगे, यूरिथ्रा जो है वो हमारा प्राइवेट जेनिटल ऑर्गन्स, ये आगे केस में रहेगा। और एनल जो एनल कैनल जो है, एनल ओपनिंग जो है वो पीछे की ओर करना है। कभी हम आपने देखा होगा कि अगर गाय बैल या ये विष्टा को पास करते हैं तो बाद में वो एनस को जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वो प्रोसीजर हमें मूलबंध में करनी है। वह ये मूलबंध भी सांस रोक के करना है, पहले सजगता से सांस लेनी है। हम सिद्धासन में बैठे हैं, पूरी अंदर सांस ली, अंत कुंभक किया, फिर जो पेरिनियम है उसको पूरा ऊपर खींच लिया, तो क्या हो गया, अब हमारा पूरा जो पेल्विक फ्लोर के ये जो है ऊर्ध्व गति को आ गए। यहाँ पे ओपनिंग्स है, यूरेथ्रा है तो वो स्पिंक्टर काम करेगा, वो ओपनिंग क्लोज हो जाएगा। एनल स्पिंक्टर्स काम करेंगे, एनल और वो भी ओपनिंग क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स की अगर बात की तो फीमेल में मूत्राशय, गर्भाशय, ओवरीज, फैलेशियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सब ऑर्गन्स वहां पे है। मेल की अगर बात करें तो मेल जेनिटल ऑर्गन्स जो है टेस्टिस, वास डिफरेंस, वो ऑर्गन्स यहाँ पे है। तो जॉइंट की अगर, जॉइंट कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मूलाधार बंध में लंबोसैक्रल जॉइंट जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ पे मूलबंध जब हम लगाते हैं तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं और कौन से मसल्स हम एक्टिवेट करते हैं, तो लोअर एब्डोमिनल मसल, लंबर स्पाइनल मसल, लोअर एब्डोमिनल मसल एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा सब ऊपर की दिशा में हम उसको खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लंबर वर्ट्रीब्रा जो है वहां के जो मसल्स है वो उसको सपोर्ट करके लंबर वर्ट्रीब्रा की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ने में इसकी सहायता होती है। जैसा कि हमने देखा मूलबंध में डायफ्राम जो है वहां कुछ हलचल नहीं है, लेकिन बाकी के सब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए है, वो तो थोड़ा सा वो नीचे आ जाता है। तो एक्सटर्नल एब्डोमिनलिस, इंटरनल एब्डोमिनलिस, लंबर एक्सटेंसर और पेरिनियल जो मसल्स है वो पूरे यहाँ पर एक्टिवेट किए जाते हैं। मैम एक बार रिपीट कर देंगे मसल्स? हाँ, ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस यानी कि ट्रांसवर्स है, एक्सटर्नल एब्डोमिनलिस, इंटरनल एब्डोमिनलिस, लंबर एक्सटेंसर और पेरिनियल मसल्स, ये सब यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो लोअर स्पाइन है वहां की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑर्गन्स जो है वहां के, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, तो थेरेपेटिक अगर यूज हम देखते हैं तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो अगर किसी को, तो उसमें मूलाधार बंध का उपयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि समझो कि आपको बहुत ज्यादा इच्छा है कि आपको यूरिनेशन को जाना है या आपको मल विसर्जन की बहुत ज्यादा अर्ज लगी है और आपको उसे रोकना है, तो जो स्थिति आप करते हैं वो एग्जैक्टली वो मूलबंध में
होता है। इसलिए स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि कभी कभार ये स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल जो लेडीज रहते हैं उनको क्या होता है कि यूरिन पास करने का कंट्रोल नहीं रहता है, उन्हें जल्दी जल्दी लगती है कि कभी कभी ये भी डर लगता है कभी हमें कि कपड़ों में भी ना करे, तो ये बहुत सोशली अफेक्ट करता है उनके लाइफ को कि वो एक डर सा रहता है। लेकिन मूलबंध की प्रैक्टिस समझ अगर करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, अंडर प्रॉपर गाइडेंस वो मूलबंध का अभ्यास करते हैं, तो जो स्पिंक्टर है यूरिथ्रल उसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है और इस वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से उनको छुटकारा पाने में अवश्य सहायता होती है। दूसरा वहां पे है यूट्रस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, तो थोड़ा फार इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी मूलाधार बंध की सहायता होती है। दूसरी अगर मेल के बारे में बात करें तो जैसे कि उम्र बढ़ती है उनको प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, तो प्रोस्टेट बिनाइन मूलबंध का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी महत्व की बात है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस जो है कि मेंसेस की जो समस्या है लेडीज की, उनको अगर वो मूलबंध का अभ्यास करें तो अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड के वक्त हमें पेन है एब्डोमिनल तो उससे भी उसमें भी इससे लाभ हो सकता है। कभी कभी फीकल मैटर अर्जेंसी रहती है, इनकॉन्टिनेंस रहता है, उसमें भी इसका लाभ हमें होता है। और दूसरी बात जो है कि थेरेपेटिक यूज जो है वो है अब आजकल उसके पेशेंट बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन माइल्ड पेल्विक ऑर्गन जो प्रोलैप्स रहता है, पेल्विक डिसफंक्शन रहता है, क्योंकि हम सब ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये प्रोलैप्स कम होने में या प्रोलैप्स ना हो इसलिए प्रिवेंटिव होता है। तो क्या खाली मूलबंध हम ध्यानात्मक आसन में लगाते हैं, लेकिन चलते टाइम ड्राइविंग करते टाइम भी हम मूलबंध को लगाकर वहां पे उसका कुछ फायदा ले सकते हैं। जैसे कि हम कहीं बाइक पे चल रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, बाइक हमारी उलझ गई यानी, तो अगर हम मूलबंध लगाते हैं तो स्पाइनल जो इंजुरीज है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मूलबंध से स्पाइनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, इसलिए जो कि जैसे कि हम शीर्षासन की भी बात ले तो शीर्षासन जो कि अपलिफ्टिंग करने वाले आसन है वहां पे भी मूलबंध लगाए हम तो उससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। मूलबंध में हमारे जैसे कि हम मूलबंध की साधना ज्यादा करते हैं हमारी स्पाइन स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो कुछ आसन है जैसे कि वहां पे स्पाइनल लेंथनिंग होना जरूरी रहता है, जैसे कि हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं उस वक्त अगर हम मूलबंध लगाते हैं तो हमारा स्पाइन है वो ज्यादा लेंथन होकर हमारा जो सिर है वो घुटनों तक ज्यादा इजीली जा सकता है। ये बात है कि हम मूलाधार बंध खाली प्राणायाम में लगाते हैं, लेकिन आसन करते वक्त भी हम उसे लगा सकते हैं क्योंकि लोअर बैक और स्पाइन स्ट्रेंथनिंग होती है, तो अपलिफ्ट जब करना है हमारी बॉडी को तब मूलाधार मूलबंध जो है उसका सहायता हमें होती है। मूलबंध का अभ्यास हम ज्यादा वक्त जब करते हैं तो प्राणायाम में उसका क्या फायदा होता है, तो रेचक का जो कालावधि है वो बढ़ता है। तो ये थोड़ी जानकारी थी मूलबंध के बारे में। अब तीसरा जो बंध है वो है उड्डयन बंध।